ध्यान से देखिए इनका चेहरा, ये यहाँ पर कपड़ों की रस्सी बांध देंगे, सारे काम एक एक करवा देंगे, लेकिन शिफ्ट नहीं होंगे। है भाई शिफ्ट हो गए, आज ही हो गए, कुछ नहीं होगा, आपने होना ही नहीं है शिफ्ट, आज तोड़ दूंगा। ओ नहीं नहीं, बटन नहीं तोड़ने। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? डायलॉग सुना सुना सा लग रहा है ना, नहीं याद आ रहा? अरे यार, अपना कैरी में आती भाई, हर वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसे ही डायलॉग मारता है। तो भाई एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे से डिस्कशन से करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, थोड़ा सा ही टाइम लूंगा। अभी एक पिछली मैंने वीडियो डाली थी, उसमें क्या हुआ था, मैं और करण डिस्कशन कर रहे थे कि अगर सारे सब्सक्राइबर तेरी शादी में आ जाए तो मतलब क्या होगा, मतलब ढोल बज जाएंगे अच्छे खासे। तो उस वीडियो में काफी बंदों ने कमेंट मारे हैं, तो एक कमेंट थोड़ा मेरे को हल्का सा चुभ गया, वो होती ना पिन जैसे चुभ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। जट का दिल बहुत छोटा है, हमसे ही कमा रहा है और हमें ही मना कर रहा है। अरे भाई क्या लिख रहे हो, ये क्या हो गया भाई आप लोगों को, मतलब हद ही हो गई है यार। मतलब दिल भाई मेरा इतना बड़ा ना कि आप सबको मैं अपने घर में रख लूं। हाँ तो भाई बात ऐसी है यार, आप मेरी फैमिली हो, अगर आप ही बुरा मना के बैठ जाओगे तो भाई काम कैसे चलेगा। फैमिली होती है एक दूसरे को समझने वाली, आप लोग मेरे को समझो, मैं आप लोगों को समझूं। तो बस इस टॉपिक पे और बात नहीं करेंगे। कमेंट आया था, मैंने छोटा सा डिस्कशन कर लेते कि भाई दिमाग में ये चीज मत बिठाओ कि मैं आपको बुला नहीं रहा, बस ये समझो, मतलब फैक्ट को समझो यार। मतलब अभी दिल को बीच में मत लाओ, दिल तो है कि आप सबको ही बुला लो, लेकिन अभी दिल को मत लाओ। अभी ये चाहिए कुछ, कोई स्पॉन्सर कर दो मेरे को 5-6 करोड़ रुपए, सबको बुला लूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी टाइम हो रहा है 4:00 PM। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सबसे अगर नमस्ते बड़ों को, पैरी पर छोटों को हेलो। तो होप करता हूं आप सब मेरी तरह बढ़िया ही होंगे। तो आज तुम्हारा भाई पूरे जोश में, क्योंकि आज 11 बजे तक मैं सोया था, बिकॉज 3-4 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। 1-2 बज जाते थे वीडियो एडिट करते हुए, फिर सोते सोते 3:30 बज जाते थे, फिर सुबह 7-8 बजे उठ जाओ, घर के काम निपटाते रहो। ऐसा लग रहा ना, कैमरा बहुत दूर है, थोड़ा इसको क्लोज कर लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया, पैसा वसूल, लेंस का पैसा वसूल। हाँ तो बस आज का शेड्यूल यही है, घर के हमें थोड़े बहुत काम निपटाने हैं, मतलब वही है यार, डेली व्लॉग है। मैं क्या शेड्यूल बताऊँ, मुझे नहीं पता क्या शेड्यूल है, बिकॉज अभी आजकल ऐसा चल रहा है ना, कभी भी कहीं से भी कोई भी काम निकल आता है तो वो वाला काम करने चल पड़ता हूँ, जो पिछला कर रहा था वो भूल जाता हूँ, फिर वो पिछले वाला करता हूँ, फिर अगला और काम आ जाता, तो बस यही चल रहा है। तो चलो भाई दिन की शुरुआत करते हैं। तो पापा आज मेरे को राइड पे लेके जा रहे हैं। पापा लद्दाख चल रहे हो क्या? तो हम आए हैं बाल्टी लेने, बर्तन लेने, सजावट धजावट का सामान लेने। पिंक हैंडल वाली बाल्टी मेरा फेवरेट नहीं है वैसे तो पिंक, लेकिन लग अच्छी रही है, वाइट कलर, पिंक फ्लावर, पिंक हैंडल। तो ये हम लाए हैं दाल रखने के लिए बॉक्सेस, और मसाला रखने के लिए भी लाए हैं। छोटे वाले कहाँ गए पापा? छोटे वाले नहीं डाले क्या? हाँ ये रहे छोटे वाले बॉक्स, ये बॉटल, इसमें आएगा रिफाइंड, ये आ गया हमारा शेर पुत्र, मुंह नीचे कर लेता है, कैमरे को देखते हो भाई फिसल क्यों रहा है। शर्माना है, गिरना थोड़ी है। तो डस्टबिन लेना भूल गए थे, दोबारा है डस्टबिन लेने। ये पापा ने अपने लिए लिया है, ये मैंने अपने लिए, और पापा मेरे को डांट रहे हैं, कह रहे तेरे वाला महंगा मेरे वाला सस्ता, ऐसा क्यों? क्यों भाई इनसे पूछो ना, क्यों अंकल ऐसा क्यों है, ये महंगा ये सस्ता? नहीं ये महंगा वो सस्ता, डिजाइन का फर्क है, कलर डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन। ओह डस्टबिन में डाल दिया अपने कपड़े धोने वाला ब्रश। तो ध्यान से देखिए, हमने शीशा साफ करने वाला बुलाया बड़ी दूर से, ये आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। अरे अरे क्या कर रहे हो, कैमरा खराब करोगे हमारा? बोल ले कुछ। तो भाई आज का दिन इतना आलसी भरा ना यार, मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने इसको फोन करके बुलाया, मैं आजा भाई आज फ्रिज ले ही डालेंगे, जो मर्जी हो जाए आज ले डालेंगे छोटे वाला, क्योंकि बिकॉज हमें मीडियम साइज नहीं मिल रहा, मेरे को छोटे वाला मिल रहा है 50 लीटर वाला, वही ले डालेंगे। इतना ज्यादा आलसी है, मतलब मैं तो हुई हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन ये इतना आलसी है, ऑफिस से आया 1-1.5 घंटा होकर यहाँ पे सोया पड़ा है, मैं लाते मार मार उठा रहा हूँ, उड़ जा भाई उड़ जा, चल ले भाई, तो हो ही जाती है। हाँ फिर अब मैंने जाके उठाया, मैं भाई भूख लग रही, कुछ खा के आते, अगर कुछ खाएंगे मतलब, हाँ अगर आप चलते हैं फिर, मतलब खाने के नाम से कोई काम है नहीं जाना हमें, हाँ भाई बाहर जाके कुछ खाते हैं, हाँ चलते हैं, चले भाई फिर, चलो चलो यार कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही है, फ्रिज ले ही आते हैं। मैं सोचा था 150 लीटर वाला मिल जाता तो काफी होता, मतलब वो भी मेरे लिए बड़ा ही होता, लेकिन जो 50 लीटर वाला है ना थोड़ा छोटा है, लेकिन मेरे को खाली पानी की बॉटल्स वगैरह रखनी है, और ये भाई लोग आ जाएंगे, हम तेरे लिए रखेंगे जूस, जूस पिएंगे, अनार का जूस, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, करेले का जूस, करेले का जूस साहिल के लिए। चलो भाई चलो, मेरे को तो पिज्जा सैंडविच दे दो, हम खाएंगे पिज्जा सैंडविच, और ये खाएगा स्टफ कुलचा।
तो आजकल ये अपना फेवरेट बना हुआ है पिज़्ज़ा सैंडविच, मतलब पूरा पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है। और ये कुलचा खा रहा है, कुलचा सैंडविच। तेरा नाम कुलचा रख दिया आज से, चलेगा? मेरा नाम पिज़्ज़ा रख दे। मेरा नाम पिज़्ज़ा रख दे, ठीक है। चल पिज़्ज़ा फिर खा ले, जल्दी खा ले कुलचे। तो भाई सैंडविच से पेट नहीं भरा करण का, तो टिक्की 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 खाने आ गया। मैं खाने आ गया हूं। भाई तू जिम छोड़ दे, मैं तेरे को कह रहा हूं। भाई जिम में हाँ मेंटेन रहने के लिए रहता हूं। अच्छा, उसके बाद टिक्की खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, जो मर्जी खाओ, कुछ भी खाओ। भैया एक का पूरा घी नहीं छोड़ दे रहा। अबे भाई टिक्की खा लो तली हुई, लेकिन घी नहीं रहना चाहिए। शर्म कर ले, शर्म भाई साहब, तेरी तो बुरी बुरी डाल, तेरी तो आंखों में भी शर्म नजर नहीं आ रही। पिज्जा अब टिक्की खा ले। पिज्जा के बाद टिक्की कौन खाता है? वो पिज्जा नहीं, सैंडविच वाला पिज्जा। और देखो पीछे एक और बंदा आ गया हमारे साथ। तो ये आ गया है अपना चमचमाता फ्रिज। बल्ले फ्रिज तो वीडियो कौन का है? तो इसमें वीडियो चलेगी, इसमें वीडियो चलेगी। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग होते हुए ओ। तो यहाँ लेटा हुआ है एक हाथी और वहां पड़ा हुआ है हमारा छोटा सा निक्कू सा फ्रिज जो हमने चालू कर दिया है। 2 घंटे इसको ऐसे ही चलाएंगे, उसके बाद हम सामान रख सकते हैं। तो स्पेस दिखाओ इसके अंदर। यहाँ पर एक बड़ी पानी की बोतल आ जाएगी, यहाँ पर 2-3 कोल्ड ड्रिंक के कैन या जूस के कैन, यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान, वहाँ नीचे सामान या ऊपर सामान, और यहाँ पर आइस क्यूब जमाने के लिए। तो काफी स्पेस है यार, मतलब कम नहीं है भाई, काफी है। दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन स्पेस अच्छा है। तेरा काम हो जाएगा इससे। चल बढ़िया है फिर तो। पहले यहाँ से कोशिश कर लेते हैं, यहाँ से नहीं आता फिर वहां से कर लेंगे। तो भाई अपना सोफा आ गया और एक दुविधा हो गई है। दुविधा क्या है कि सोफा सीढ़ियों से नहीं आ पा रहा, बिकॉज वो लंबा है काफी और सीढ़ियां पड़ रही हैं छोटी। तो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी सीढ़ियों से आ जाए। अगर यहाँ से आ जाता ठीक है, नहीं तो फिर नीचे से ऊपर उठवाना पड़ेगा और रस्सी रुस्सी बांध के थोड़ा अटरम शटरम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी ज्यादा। ट्राई कर रहे हैं सीढ़ियों से आ जाएगा बढ़िया, नहीं तो वहां से आ जाएगा। बाय, वापसी जाने का टाइम। हमें नहीं चाहिए सोफा, हमें नहीं पसंद आया ये सोफा। कोई बात नहीं। इस सोफे का मुंह उधर को ही कर दो, आधे मेहमान को उधर दीवार की तरह मुंह करके बिठा देंगे। इसका मुंह उधर ही रहने दो, यहाँ टीवी लगवाए तो सामने आराम से टीवी देखो उधर मुंह करके। तो फाइनली सोफे आ चुके हैं, लेकिन इनको लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। पहले रस्सी बांधी, फिर ऊपर खींचे, फिर दरवाजे से अंदर नहीं आते, फिर इनको एडजस्ट करा, गोल मटोल करके अंदर लेके आए। लेकिन अब एक कंफ्यूजन लग रही है मेरे को, यहाँ पर टेबल नहीं आएगा बीच में। अगर आप कोशिश करेंगे ना सेंटर टेबल लाने की, तो बीच में यहाँ पर आएगा नहीं, या तो लॉन्ग टेबल आएगा। एक लॉन्ग टेबल भी आता है जिनके जो पैर होते हैं ना, पैर बड़े छोटे होते हैं लेकिन ऊपर से टेबल बहुत बढ़िया होता है, या तो वो वाला टेबल आएगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास। मैं इनको ये वाले रूम से हटा के इस रूम में रख दूंगा। ये वाले रूम काफी खुले हैं, इस रूम में इजीली आ जाएंगे, उस रूम में हम कुछ और रख देंगे। लेकिन उससे पहले पापा से डिस्कस करूंगा कि उनको मेरा आइडिया कैसा लग रहा है, अगर हम वहां से उठा के यहाँ रख दे, मतलब सही लगेगा तो कर देंगे, जैसा भी होगा आपको पता लग जाएगा। तो भाई एक दिक्कत हो गई, जो मेरा दोस्त था ना निपुण, जो हमें डांस सिखा रहा था, कल वो आया नहीं था बिकॉज बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज सुबह से उसका नंबर नहीं लग रहा, 2-3 मैंने मैसेज भी करे, वो भी उसको डिलीवर नहीं हो रहे। तो पता नहीं भाई अब डांस कैसे करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, बिकॉज 2 दिन हो गए कुछ हता पता नहीं है उसका, या तो हमें खुद ही आगे का सीखना पड़ेगा। आधा डांस हम सीख चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस हमने करके अच्छे से रट लिया, लेकिन जो आगे का आधा है उसका अता पता ही नहीं है, मतलब क्या था क्या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत वाला माहौल होता ना वो हो गया, लेकिन हाँ किसी ना किसी तरह इसको सॉल्व तो करेंगे ही। बाकी जो होगा वो भगवान के हाथ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता लग जाएगा आपको। अभी हमें भी अभी नहीं पता क्या होगा, जब हमें पता लगेगा तो मैं आपको भी बता दूंगा। आ तो भाई
निकल चुके हैं हम कहाँ पर? कनॉट प्लेस के लिए। आज रात को बाहर खाना खाने वाले हैं। आज कवेंटर का दूध पीना है। कवेंटर का? कवेंटर तो बंद हो जाएगा जब तक पहुंचेगा, बंद हो जाएगा। तो भाई घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो करण का फोन आया, चल भाई राजमा चावल खा के आते हैं, सीपी तक चलते हैं। बोला हाँ हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो चल रहे हैं भाई, जा रहे हैं खाने, इसको दूध पिलाएंगे और हम खाएंगे राजमा चावल। तो भाई रात को 11 बजे भी रोड पे इतना जाम मिल जाता है। और अभी क्या बात चल रही थी, मैं करण को कह रहा हूँ भाई कि शादी का कार्ड तेरे को ना देने आऊं, खाली पीडीएफ फाइल भेज दूं तो चलेगा? भाई साहब आगे से रिप्लाई क्या करते हैं? मैं कह रहा हूं पीडीएफ क्या, तू कुछ भी चला, एसएमएस भेज दे, एसएमएस में ही सगन दे देंगे तेरे को। तो जैसा कार्ड आएगा वैसे ही सगन आएगा? बिल्कुल वैसे ही सगन आएगा भाई। चीटिंग नहीं हो जाएगी क्या ये? नहीं चीटिंग क्यों नहीं है, तू डिब्बा बचा रहा है मिठाई का। मैं डिब्बा थोड़ी बचा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं है मेरे पास देने आने का, बिजी पर्सनैलिटी। तो यहाँ से 3 बंदे कम होते हुए नजर आए हैं मेरे को जो शादी में नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, इस खुशी में आज मेरी तरफ से पार्टी। फाइनली साहिल को दुकान खुली मिल ही गई है। साहिल सबसे सस्ते वाले चार, सबसे सस्ते कह रहा सबसे सस्ते वाले चार ले लो। ये वहां जाके पूछा था आपके पास ब्राउन राइस है क्या, मेरा वेट बढ़ रहा है भाई। मैं तो खा ही नहीं रहा, खा ही नहीं रहा चार चम्मच किसी भाई साहब, चार चम्मच खा चुका है, जैसे ही कैमरा ऑन होता मैं खा ही नहीं रहा। आनंद, आनंद किसका? शेक का। मैंने लिया बटर स्कॉच, भाई ने लिया वेनिला, दोनों बारी बारी टेस्ट कर लूंगा, पहले ये पी लूंगा आधा, फिर उनका भी पी जाऊंगा। रुक जा मेरे भाई रुक जा, व्लॉग तो बनाने दे छोटे, ये बहुत ही काम की चीज है। कोई बता सकता तो बताना कमेंट सेक्शन में ये क्या है। मेरे को नहीं लगता कोई बता पाएगा साहिल, है ना, जिसको पता है नॉलेज होगी ना थोड़ी बहुत, हाँ वो बता देगा। बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की मतलब बहुत ही ज्यादा काम की, और ये इंडिया से नहीं आई, बाहर से हमने मंगवाई है। चल हेलो कर दे, बहुत ही बढ़िया, दूसरे हाथ से हेलो कर, ये बात, चल गुड नाइट है। तो फाइनली घूम फिर के घर पहुंच गए हैं, बस अब सोने की तैयारी है। पता है मेरी एक आदत है, मतलब मेरे को वो आदत अच्छी भी लगती है कि जब भी मेरे दिमाग में कोई टेंशन होती है ना, तो मैं थोड़ा टाइम अपना फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, थोड़ा अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करता हूँ। उससे क्या होता है, जो दिमाग में टेंशन होती है ना वो दूर हो जाती है। तो जो दिमाग में टेंशन थी कि हाँ भाई डांस नहीं हो पा रहा, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। मे बी अब हम डांस नहीं करने वाले, जो हमने डिसाइड करा है वो आपको पता लग जाएगा आगे आने वाली वीडियोस में कि डांस करने वाले या नहीं करने वाले। 90% हमने ये डिसाइड कर लिया कि डांस नहीं करते, आज बेफालतू की टेंशन हम क्यों ले रहे हैं, मौज लेते हैं जिंदगी की और आपको भी दिलाते हैं। तो होप करता हूं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ी छोटी थी लेकिन कोई बात नहीं, रोज व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ छोटे से छोटा व्लॉग बना के आपके लिए डाल दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी एंजॉय करते रहे। तो लाइक करके जाना, बढ़िया सा कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।